देखिए क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। एक फिगर है हमारे पास जिसमें पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, और जो रे ओ आर है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। ओ एस इज अनोदर रे लेइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस जो है दूसरी रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में है। प्रूफ दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखिए जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जिसको प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद प्रूफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि ओ आर जो है परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ आर परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको, ये तो एंगल आर ओ एस जो है वो किसके इक्वल है, हाफ एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस के इक्वल हमें लेकर के आना है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात, आप जब प्रूफ करें तो आप यहाँ पर जो एंगल्स आ रहे हैं एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस, इनमें से पहले क्यू ओ एस पर ध्यान दें। तो पहले आप इसमें क्यू ओ एस को निकालें। देखिए अगर मैं बात करता हूँ एंगल क्यू ओ एस की, तो क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, क्यू ओ एस ये वाला एंगल क्यू ओ एस है, ये वाला एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल क्यू ओ एस बन रहा है दो एंगल से मिलकर के बन रहा है, एक तो क्यू ओ आर यानी ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है, ये वाला पूरे का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्यू ओ आर, और प्लस एंगल आर ओ एस यानी ये वाला एंगल आर ओ एस। तो क्यू ओ एस जो बन रहा है वो क्यू ओ आर और प्लस एंगल आर ओ एस से मिल करके बन रहा है। तो हम क्यू ओ एस को लिख सकते हैं क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। अब क्यू ओ एस को आप ऐसे ही रखें, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर 90 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल आर ओ एस को आप ऐसे ही रखें, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू एस को लेकर के हमने ये निकाल लिया था, अब उसके बाद यहाँ पर और क्या आ रहा था, पी ओ एस आ रहा था। अब आप पी ओ एस को देखें तो पी पी ओ एस ये वाला एंगल है पी ओ एस, तो एंगल पी ओ एस। जब पी ओ एस को आप यहाँ पर देखेंगे तो पी ओ एस को अगर आप लिखना चाहें पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, यानी अगर हम पी ओ एस को लिखना चाहें इस पूरे एंगल में से, अगर इसको माइनस कर दें इस पूरे एंगल में से, अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो पी ओ एस ही तो बचेगा, यानी कि एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, सॉरी आर ओ एस, आर ओ एस पी ओ आर माइनस आर ओ एस कर देंगे तो पी ओ एस ही बचा रह जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, पी ओ एस को तो ऐसे ही रखें, पी ओ आर है, पी ओ आर कितना, पी ओ आर जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल आर ओ एस, इक्वेशन कितना आ गया आपके पास 2, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्यू ओ एस आपके पास आ चुका है, ये रहा पी ओ एस आपके पास आ चुका है, ये रहा, अब इन दोनों के बीच में माइनस चाहिए, तो आप क्या कर लें, माइनस कैसे आएगा, जब इक्वेशन फर्स्ट में से आप इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये वाला पूरे का पूरा जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आप अब यहाँ पर लिख लें इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। अब जब हम दो इक्वेशंस में से एक दूसरे को माइनस करते हैं तो हम जो पहली इक्वेशन होती है उसका उसके LHS पोर्शन में से LHS पोर्शन को माइनस करते हैं और RHS पोर्शन में से RHS को माइनस करेंगे। तो इधर जो है QOS है तो QOS लिखेंगे और माइनस किसको करेंगे, एंगल POS को इक्वल। अब उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहले 90
प्लस एंगल आर ओ एस लिख लेंगे ये। फिर उसके बाद जब माइनस करेंगे, तो जब माइनस करते हैं किसी एंगल्स को, कुछ एंगल्स को, तो उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का, यहाँ पर लिखे माइनस करने पर, और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस 90 से प्लस 90 ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ एस, आर ओ एस और प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक, अब एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस तो ऐसे ही रखेंगे आप, ये कितना आ जाएगा, टू एंगल आर ओ एस आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे को इधर ले लो, टू एंगल आर ओ एस इधर ले लो, और इसको पूरे को इधर ले लो, एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस को इधर ले लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, आर ओ एस की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या प्रूफ करना था, आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो आप यहाँ से एंगल आर ओ एस जो है वो अगर आप निकालें, तो ये जो टू इसके साथ में था मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, और एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।